हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में पक्की यखनी की हैदराबादी बिरयानी बावर्ची स्टाइल, जो कि 3 केजी की बन रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अलग है। बिल्कुल सिंपल इजी स्टेप में डिफरेंट प्रोसेस के साथ में आपको ये रेसिपी दे रही हूँ मैं, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए कैसे बनाना है सीख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया हुआ है। अच्छे बड़े पीसेस में कटवाना है आपने चिकन को, और बहुत जैसे वॉश कर कर इसमें आपने नमक डालना है। नमक यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैंने डाली है, और अंदाजे से ऐसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप टेस्ट कर कर देख लें, चख कर नमक डालें। साथ में मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम दही। दही और नमक डालकर हमें चिकन पीसेस को बहुत अच्छे से इस तरह से हाथों से मिला देना होगा, जिससे नमक और ये जो दही का सारा फ्लेवर है चिकन के अंदर तक चला जाए और ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप में आपने चिकन को सबसे पहले मैरिनेट कर कर ही रखना है, और सिर्फ दही और नमक के साथ में। अभी क्या करना है, इसे हमें आधे से 1 घंटे के लिए रख देना है साइड पर। तो कवर कर कर आप इसे चाहें तो फ्रिज में रख दें, या फिर किचन काउंटर पर ही साइड पर रख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि चावल बनाना है। चावल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म किया हुआ है। पानी यहाँ पे तकरीबन मैंने 2.5-3 लीटर लिया हुआ है, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। तो यहाँ पे चावल ऐसे कप में 6 कप हैं, लेकिन चिकन के जितना बराबर ही हैं। तो 1.5 किलो चावल भी लिया है मैंने। मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया, और ये बिरयानी राइस है अच्छी क्वालिटी का, और इसमें मैंने सारा डाल दिया है उबलते हुए पानी में। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो चावल के लिए नमक मैं यहाँ पे 4 से 6 चम्मच डाल रही हूँ। चावल में नमक बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, वरना फीका सा लगता है चावल और टेस्ट भी नहीं आता। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल डालने से चावल बिल्कुल खिले खिले से रहते हैं और बिल्कुल चिपकते नहीं हैं। और अब मैं इसे अच्छे से चला दे रही हूँ। जब इसमें अच्छा सा पहला बॉयल आ चुका है उबलते हुए चावल में, तो इसमें मैं आधे नींबू का रस डाल रही हूँ। इससे चावल बहुत ही निखरे हुए बनते हैं, बहुत ज़्यादा वाइट आपको दिखेंगे चावल, और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से चावल को पका दीजिए, और मैं आपको दिखाऊंगी इसे कितना पकाना है। अच्छे से बिल्कुल ये कुक हो जाना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चावल में मैंने बिल्कुल भी कुछ भी खड़े मसाले नहीं डाले हैं, तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बन रही है, और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कम फ्लेवर में बनी है, इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो चावल यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारा बॉयल हो चुका है, इसे मैंने 75% तक कुक कर लिया है, और बिल्कुल अच्छा सा टूट रहा है ये। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ, और अच्छे से छान कर हमें इसे एक अलग वेसल में निकाल कर साइड पे रख देना है। और इसमें जो हमने लेमन और तेल डाला था, इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा बना है। तो आप भी इस तरह से चावल ज़रूर बनाइएगा। तो इसे निकाल कर साइड पे ढककर रख देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि एक बड़ा वेसल लेना है, जिसमें आप बिरयानी बनाने वाले हैं। उसमें आप डालें 250 ml तेल, और उसमें हमें प्याज फ्राई करनी है। प्याज मैंने यहाँ पे 6 पीस ली थी, जिसे मैंने बिल्कुल स्लाइसेस में कट किया, और इसे मैं डालकर फ्राई कर ले रही हूँ। बिल्कुल अच्छा सुनहरा सा कलर होने तक आपने प्याज को फ्राई करना है। और जब ये प्याज फ्राई हो जाए, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे इसे हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है। देखें, यहाँ पे आपने टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कि अगर प्याज ज़रा सा भी ज़्यादा फ्राई हो गया तो फिर यहाँ पे जल सकता है वो। इसलिए आपने बहुत ही अच्छे से केयरफुली ध्यान देकर प्याज को फ्राई करनी है, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और इसे अच्छे से भून लेना है। क्योंकि अदरक लहसुन में थोड़ा कच्चापन होता है, इसलिए आप स्लो हीट पे उसे अच्छे से भून लीजिए। बहुत अच्छी सी दानेदार सी हो जाती है ये। तब आपने क्या करना है कि सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। इसके साथ ही आप इसमें डालें पुदीना। तो पुदीना मैं बिल्कुल ढेर सारा डाल रही हूँ यहाँ पे। 2 मुट्ठी भरकर मैंने पुदीना डाला है। अच्छे से वॉश कर उसके पत्ते पत्ते अलग कर मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और अभी मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ। तो कुछ सेकंड मैंने ऐसे ही छोड़ा, जिससे जो है दही का पानी रिलीज़ हुआ है, चिकन के अपने जूसेस निकल रहे हैं, और ये अच्छे से अब कुक हो रही है, और इसमें अभी हमें पानी वानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें एक बार अच्छे से मिलाने के बाद में इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 छोटे चम्मच हल्दी का पाउडर डालूंगी। नमक हमने पहले चिकन को मैरिनेट करने में डाला है, फिर भी मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया नमक ध्यान से डालिएगा। और 2 टमाटर स्लाइसेस हमें डालने हैं। टमाटर को स्लाइसेस में कट करके यहाँ पे डाल देना है। और ये जो मैंने अभी डाला, ये है पानी। तो यहाँ पे जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, उसमें थोड़े से दही वगैरह लगे हुए थे, तो थोड़ा सा 1/4 कप पानी वहीं पर मैंने मिलाकर यहाँ पर डाल दिया है। और अब एक बार अच्छे से आपने इसे मिलाना है। तो बेसिकली चिकन काफ़ी अच्छे से टेंडर हो जाते हैं जब हम इसको फर्स्ट स्टेप में मैरिनेट कर रखते हैं, और जब हम चिकन को दोबारा थर्ड स्टेप में लाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक होती है।
क्योंकि हमने इसे मैरिनेट बहुत अच्छे से किया हुआ है। अभी यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद में हमें इसे कुक करना है, तो इसके खुद के जो मॉइस्चर है इसी में ये चिकन कुक होगी। तो लिड लगाकर आप इसे स्लो फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाइए। पहले के 3 से 4 मिनट बाद में मैंने लिड हटाई है और ये चिकन बहुत अच्छे से कुक हो रहे हैं। इस स्टेप में क्या होता है कि चिकन के पूरे जूसेस निकल जाते हैं, दही का पानी निकलता है और टमाटर जो हमने डाली है ना वो सॉफ्ट होना शुरू होता है। तो बीच में बस आपने एक बार हटानी है लिड और एक बार अच्छे से मिलाना है और कुछ चीज़ें और डालनी है। तो सबसे पहले इसमें हमने हरी मिर्च डालनी है, तो 10-15 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसीलिए मैंने लाल मिर्चें कम डाली थी। और इसमें मैंने स्लिट लगाया हुआ है और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बिरयानी मसाला पाउडर। ये बिरयानी मसाला पाउडर मेरा होममेड होता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इस बिरयानी मसाला का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिएगा इस बिरयानी मसाला को बनाकर और ये बिरयानी बनाइएगा, बहुत ही अच्छे मज़े की बिरयानी बनेगी। बहुत ही कम मसालों के साथ में ये बिरयानी मसाला तैयार होता है जो कि गज़ब का टेस्ट देता है। बस अच्छे से एक बार मिला दीजिए और वापस से हमें ढक्कन लगा देनी है। और अब इस टाइम हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, 7 से 8 मिनट तक, जब तक चिकन टेंडर नहीं हो जाते तब तक हमें पका लेना है, कुक कर लेना है। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट से चिकन बहुत अच्छे से कुक हो रही थी और अभी हमें क्या करना है कि इसे अच्छे से मिलाना है, एक बार और वापस से चलाना है और बेसिकली इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि इस टाइम पे चिकन जो है बहुत अच्छी टेंडर हो चुकी होती है, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी होती हैं और मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका होता है। तो लास्ट स्टेप में हमें बिल्कुल अच्छे से इसे मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट पर चलाना है और चलाकर इसे बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं आप कि तेल जो है पूरा सर्फेस पर नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से चिकन जो है टेंडर हुआ हुआ है और इसके जो बोन्स हैं से फ्लैश थोड़े अलग होने से लग रहे हैं, दिख रहे हैं। तो बस यहाँ पे क्या करना है, आपने 2-3 बार अच्छे से इसे मिलाना है, चलाना है और उसके बाद में ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि चिकन को हमने इसी पॉट में बनाया है जिसमें हमने लेयरिंग करनी है, तो आप भी चिकन को उसी वेसल में तैयार कीजिएगा जिसमें आपने बिरयानी को दम देना है। अभी देखिए चिकन बिल्कुल तैयार है, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, रेस्ट देते हैं। उसके बाद में इसका जो पूरा रोगन है उसे हमें एक अलग कटोरी में निकाल कर साइड पर रख लेना होगा और उसके बाद में एक बड़े वेसल में हमें करना होगा सारा चिकन ट्रांसफर कर लेना होगा पकाया हुआ, और जिसमें हमने चिकन को बनाया है उसी वेसल में हमें क्या करना है, चावल की आधी क्वांटिटी जो है पूरी फैला देनी है और उसके ऊपर हमें डालना है वो हमारा तैयार किया हुआ बिरयानी मसाला पाउडर। 2-3 पिंच हमें बिल्कुल छिड़क कर इस तरह से डाल देनी है, इससे बहुत ही अच्छे फ्लेवरफुल चावल बनते हैं। और इसके ऊपर हमें डालना है दूध, तो यहाँ पे टोटल मैंने 250 ml दूध लिया था जिसकी हाफ क्वांटिटी मैंने नीचे डाली है, और डालने के बाद में इसके ऊपर पूरा चिकन जो है हमें लगा देना है। तो इस तरह से सारा चिकन विद ग्रेवी हमने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा जहाँ पे बीच बीच में सा है उसको आप थोड़ा अलग अलग कर दें, फैला दें, पीसेस एक जगह पे नहीं रहने चाहिए। और इसके ऊपर से हमें डालनी है पुदीना, तो पुदीना के पत्ते डालें, इस तरह से पत्ते पत्ते तोड़कर मैंने अच्छा सा डाल दिया है। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच रोगन, क्योंकि ये जो रोगन हमने डाली है वो चावल से नीचे तक जज्ब होगा और बहुत अच्छे से चावल सॉफ्ट से होंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा हमें वापस से बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करना होगा, तो चावल की जो लेयर लगाई है उसके ऊपर भी हमें बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करनी है और चिकन की लेयर के ऊपर भी थोड़ा सा हमें स्प्रिंकल करना है बिरयानी मसाला। और इसके ऊपर हमें डालनी है थोड़ी सी कलर, आप चाहे तो ज़ाफरान डाल सकते हैं, और लास्ट में हमें पूरा का पूरा चावल से जो है कवर कर देना है। अब टॉप लेयर पे हमें वापस से जो बचा हुआ दूध था वो पूरा डाल देना है। दूध डालने से चावल बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और दम बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही इस पे जो थोड़ा ज़ाफरान था, पानी ज़ाफरान का, वो डाल रही हूँ मैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा वाटर, 1 से 2 बड़े चम्मच अब केवड़ा वाटर ज़रूर डालिएगा, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद में ऊपर से जो बचा हुआ रोगन था ये डालना है हमें, आप चाहे तो अगर आपका ये रोगन इतना नहीं निकला है तो आप घी डाल सकते हैं, मैंने इतना ही डाला था कि ऊपर से मैं घी नहीं डालूं, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, और लास्ट में वापस से बिरयानी मसाला थोड़ा ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा। और अब ये जो है बिरयानी दम पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बस हमें क्या करना है कि एल्युमिनियम फॉयल से इसे कवर करना है, इसके ऊपर इस वेसल की लिड लगानी है और अच्छे से हमें दबाकर फॉयल को सील कर देना है और इसके ऊपर कुछ हैवी रख देनी है। और बस अभी हमें इस फ्लेम के नीचे एक तवा रखना होगा और तवे के ऊपर ये बिरयानी वेसल, और इसे हमें दम देना होगा बाकी के 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट बाद में हमारी बिरयानी दम होकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी देव ओपन करते हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, केवड़ा की वो खुशबू और वो जो बिरयानी मसाला की जो फ्रेग्रेंस है ना, पूरा किचन महक उठा है, पूरा घर महक उठा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब बस इसे ओपन करते हैं, मिलाते हैं और फटाफट ही सर्व कर देते हैं।
तो इस बिरयानी के साथ में आप सर्व करें रायता, सैलड और डबल का मीठा। पूरी हैदराबादी कुजीन जो है आपने घर पे बना ली है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में इतनी ज़बरदस्त सी मज़े की बिरयानी बनती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपको क्या सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अपने यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बिरयानी को। सारी मेजरमेंट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई हैं, आप एक बार ज़रूर फॉलो करें और अच्छे से बनाएं बिरयानी, बस बहुत ही कमाल की बनती है। तो आई होप आपको ये मेरी 3 kg की पक्की यखनी की हैदराबादी बिरयानी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही लेटेस्ट रेसिपीज पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं, तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।